दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय दी रोज ऑर्किड वर्ल्ड स्कूल पांवटा साहिब। जिला सिरमौर के राजकीय उच्च विद्यालय चौरास के छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए जागरूक किया। रैली विद्यालय परिसर से निकली व चौरास मार्ग से होते हुए गांव तक पहुंची। यहां बच्चों ने लोगों को कोरोना वायरस के खतरे से आगाह किया। बच्चों ने बताया कि साफ सफाई से रहें, बासी ठंडा और खुले खाद्य पदार्थों का सेवन न करें, खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धोएं, खांसते और छींकते समय मुंह पर रुमाल या मास्क का उपयोग करें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नोहराधार से संजीव ठाकुर की रिपोर्ट। ठाकुर अजमेर सिंह कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद पांवटा साहिब एवं पार्षद गणों की ओर से समस्त पांवटा साहिब व प्रदेश वासियों को होला मोहल्ला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नगर परिषद पांवटा साहिब की तरफ से सभी शहर वासियों को होली मेले की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं है। नगर परिषद पांवटा साहिब सभी शहर वासियों से जो मेले, इस भव्य मेले का जो नगर परिषद आयोजन कर रही है, इसमें जो भी इस शहर में लोग आएंगे मेले को देखने के लिए, उनसे नगर परिषद अपील करती है कि वो सफाई का विशेष ध्यान रखें। किसी प्रकार की जो गंदगी है, किसी प्रकार की गंदगी है, कागज है, पेपर्स हैं, पॉलीथीन है, इसका जो है वो पॉलीथीन का स्पेशली उपयोग ना करें, और जो भी कचरा है उसको जो है अप्रोप्रिएट प्लेस के ऊपर जहाँ पे उसको रखना है, डस्टबिन है, वहाँ पे रखें और किसी प्रकार की गंदगी ना फैलाएं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। नगर परिषद मेले में आए सभी शहरवासियों से अनुरोध करती है कि आप कोरोना प्रोटोकॉल को जो है फॉलो करें, मास्क लगाएं और बिना मास्क से मेले में एंट्री कृपया ना करें, क्योंकि अभी भी हमें कोरोना प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो करना होगा। नगर परिषद पांवटा साहिब ने लगभग 8 जो पार्किंग है छोटी गाड़ियों की, उनकी ऑक्शन कर दी गई है। वहाँ सभी 8 पार्किंग के ऊपर जो है नगर परिषद के वाटर टैंक जो हैं वो वहाँ खड़े रहेंगे। जैसे वाटर टैंक खाली होगा उसको फिर से भर दिया जाएगा। सभी 8 या 9 जो पार्किंग है, कार पार्किंग हैं, उनमें जो है हमने सफाई कर्मचारी भी रखे हैं कि वो दिन में 2 दफा वहाँ पर सफाई करें, और पुलिस विभाग की तरफ से भी पूरा प्रबंध जो है, होल्डिंग्स और पोस्टर जो हैं या इनके जो सिग्नल है कि कहाँ कहाँ जो हमारी पार्किंग है उनके सिग्नल पुलिस विभाग के तरफ से लगाए जा रहे हैं, और कंफर्टेबल तरीके से जो है सभी की गाड़ियाँ जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो अलग अलग पार्किंग में आ जाए। इसके साथ पुलिस विभाग ने बड़े ट्रक ट्रैक्टर के लिए अलग से, जैसे कॉलेज का मैदान है और अन्य जगह है, उनका विवरण पुलिस विभाग दिया जाएगा, उनका भी उत्तम प्रबंध किया गया है। थैंक यू।